नमस्कार, खबर दिनभर में आपका स्वागत है। ये वक्त है दिनभर के पूरे बुलेटिन को एक नजर में देख लेने का। दिनभर जब आप कामकाज में व्यस्त थे, हर घंटे कुछ ना कुछ घटित हो रहा था। आज मुख्यमंत्री भी छतरपुर के दौरे पर थे, तो आइए देखते हैं 8:50 के इस कंप्लीट बुलेटिन। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं पेप्टेक टाइम न्यूज और मैं हूं आपके साथ शुभम सोनी। खबर दिनभर के इस पहले बुलेटिन में आपका स्वागत है और चलिए आपको दिखाते हैं इस बुलेटिन में एक बड़ी और अच्छी खबर। यहां पर छतरपुर के डिस्ट्रिक्ट होम कमांडर करण सिंह द्वारा वातावरण को शुद्ध करने के लिए और पर्यावरण को शुद्ध रखने के लिए 200 पेड़ों का पौधा रोपित करने का एक कार्यक्रम किया गया। यह कार्यक्रम छतरपुर शहर के सटई रोड स्थित होमगार्ड कार्यालय में किया गया, जहां पर उनके अधिकारियों के साथ में तमाम वर्ग के कर्मचारी मुख्य रूप से मौजूद रहे, जिन्होंने उत्साह के साथ में पेड़ों को रोपित कर उनकी एक परिभाषा को भी बताया। पेड़ लगाने का उनका मुख्यतः से उद्देश्य है कि जीवन को सफल बनाने के लिए और स्वस्थ पूर्ण सेहतमंद अपनी जिंदगी बिताने के लिए हमें पर्यावरण के संरक्षण में रहना अनिवार्य है और पर्यावरण अनिवार्य करने के लिए हमें पौधे को रोपित करना ही होगा। जिस पर एक संकल्प लेते हुए डिस्ट्रिक्ट कमांडर के द्वारा 200 पेड़ पौधों को लगाने की बात कही गई। वहीं इन पौधों के बीच में छायादार और फलदार वृक्षों को भी रोपित किया गया। वन विभाग के सौजन्य से 200 पौधे प्राप्त किए गए थे, जो हमारे होमगार्ड कार्यालय सटई रोड में आज रोपे गए हैं। इसमें सभी प्रकार के फलदार पौधे भी हैं और दूसरे पौधे भी हैं लगाए। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं पेप्टेक टाइम न्यूज और मैं हूं आपके साथ हाजिर शुभम सोनी। खबर दिनभर के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है और चलिए इस बुलेटिन में आपको दिखाते हैं खबर ईशानगर क्षेत्र की, जहां पर अब हालात की अगर बात की जाए तो अब स्वास्थ्य केंद्रों की हालातों में भी गड़बड़ियां सामने आने लगी हैं। आए दिन की दुर्घटनाओं में अनेकानेक परिस्थितियां होती हैं, जिनमें कुछ कार्यवाही के हक पर अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं डॉक्टरों की लापरवाही सामने आती है। एक ऐसा ही नजारा आज हमारे सामने आया, जहां पर 12 वर्षीय एक बच्चा अपने इलाज के लिए परिजनों के साथ में उप स्वास्थ्य केंद्र पहुंचा, लेकिन वहां उसे सही तरीके से इलाज न मिलने के कारण उसकी मौत हो गई। आइए आपको दिखाते हैं तस्वीरों के माध्यम से क्या कुछ पूरा कारण रहा इस मौत का। जानकारी के मुताबिक आपको बता दें, छतरपुर शहर के हिम्मतपुरा निवासी 12 वर्षीय जो कि देवनेश रैकवार अपने इलाज के लिए नाना नानी के साथ पिछले 3 वर्षों से रह रहा है और अचानक से उसकी तबीयत बिगड़ने के कारण वह उप स्वास्थ्य केंद्र के लिए ईशानगर पहुंचा, जहां पर उसे डॉक्टर जी के साहू ने बच्चे को देखते हुए एक इंजेक्शन लगाया और कुछ दवा भी देते हुए उसे स्वस्थ होना बताया, जिसके बाद परिजनों ने यह बात सुनकर उसे अपने घर ले आए। वहीं तकरीबन शाम करीब 4 बजे बच्चे की हालत दोबारा से बिगड़ गई और बच्चे की हालत बिगड़ी तो परिजन उसे लेकर उप स्वास्थ्य केंद्र पहुंचे, लेकिन जब स्वास्थ्य केंद्र पर पहुंचे तो वहां पर एक भी डॉक्टर या नर्स वहां मौजूद नहीं मिले, जिस कारण से बच्चे को समय पर इलाज ना मिल पाया और बच्चे की मौत हो गई। इस पर ईशानगर और उनके परिजनों के लोगों ने अस्पताल में ही पहुंचकर तोड़फोड़ कर अपना आक्रोश जताया। मैंने भी बातचीत की है, ड्यूटी डॉक्टर से बात की है। उनका ये कहना था कि मैं 5 से 6 महीने ओपीडी का टाइम था, मैं यहाँ प्रशिक्षण में था, तो इनका कहना है कि किसी ने मुझे सूचित नहीं किया है। तो इस संबंध में जो भी दोषी है सबकी जांच कराएगी। नायब तहसीलदार ने गुप्ता जी को निर्देश किया कल सुबह आगे पूरा रिकॉर्ड जब्त करके, जिसकी ड्यूटी थी, जो प्रथम दृष्टया लापरवाही इसने की, इसके कारण बच्चे की मौत हुई है और परिवार को काफी दुख सहना पड़ा, इस पर हम कठोर कार्रवाई करेंगे। कलेक्टर महोदय को प्रतिवेदन भेजेंगे। दिनेश रैकवार नाम का लड़का है, जिसका आज दिन में बुखार आ गया था जी। तो उसके परिजन शासकीय चिकित्सालय ईशानगर में इलाज के लिए लाए थे जी। इलाज कराने के बाद वो वापस घर ले गए, शाम को उसकी फिर से तबीयत खराब हो गई, फिर उसको फिर से वो शासकीय अस्पताल ईशानगर लेके आए, जहाँ उसकी मौत हो गई। तो परिजनों का ये कहना है कि यहाँ पर उनको डॉक्टर उपस्थित नहीं मिले, जिससे उसका समय पर इलाज नहीं हो पाया है। इस संबंध में डॉक्टर लोगों को CMO साहब को और जिला चिकित्सालय छतरपुर को सूचना दे दी गई है। जैसे ही डॉक्टर साहब लोग आते हैं उस संबंध में कार्रवाई की जाएगी। नमस्कार दर्शकों, खबर दिनभर में आपका स्वागत है, मैं हूं विनोद मिश्रा। ये नजर आ लेते हैं आज की इस खास खबर पर। जिला अस्पताल को एक और जहां पर सुंदर बनाया जा रहा है और जिला अस्पताल में सारी व्यवस्थाएं सुचारू रूप से करने को लेकर यहां पर बिल्डिंग भी तैयार कर दी गई है, लेकिन आप कुछ तस्वीरें ऐसी देख सकते हैं जहाँ पर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ पर कितनी गंदगी होती होगी। यहाँ पर पोस्टमार्टम का ये रूम है और इस रूम के बाहर से लोगों को भी निकलना पड़ता है और इसी रास्ता से डॉक्टर भी पोस्टमार्टम रूम में पोस्टमार्टम करने के लिए जाते हैं, लेकिन आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कचड़ों के कारण किस तरह से गंदगी मची हुई है और साथ में गंदगी का अंबार भी लगा हुआ है।
कई बार इस खबर को भी प्रकाशित किया गया है कि इस गंदगी के कारण यहाँ के रुकने वाले जो लोग हैं आसपास जो मकान बने हुए हैं उन लोगों को भी काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। यहाँ पर काफ़ी गंदगी बनी रहती है लेकिन इस ओर अस्पताल प्रशासन बिल्कुल PM हाउस के बाहर बिल्कुल बहुत ज़्यादा गंदगी है सिविल अस्पताल में उल्टी आए हम लोग और हम लोग निकल रहे हैं तो इतने तक उसमें गिलारी में दब जाते हैं सर। बहुत गंदगी है यहाँ पर और कोई भी निकलना बहुत मुश्किल है वहाँ पर। गंद तो इतनी बुरी आ रही है कि कोई वहाँ पर निकल ही नहीं सकता। नमस्कार दर्शकों, खबर दिन भर में आपका स्वागत है। मैं हूँ विनोद मिश्रा। ये नजर डाल लेते हैं आज की इस खास खबर पर। यह खबर है कि बस स्टैंड पर बसें तो खड़ी रहती हैं लेकिन बसों का सही ढंग से खड़ा ना रहना भी यातायात बाधित करना है। आप देख सकते हैं पूरी तस्वीरों को कि किस तरह से बसों के बाहर ये ठेले खड़े हुए हैं जो कि अतिक्रमण के रूप में यहाँ पर अपना कब्जा जमाए हुए हैं। तो वहीं बसों का भी समय पर लगना नहीं होता है। यहाँ के कुछ स्थानीय लोगों ने बताया है चर्चा के दौरान कि बसें काफ़ी देर पहले यहाँ पर खड़ी हो जाती हैं लेकिन उनके जाने का समय लगभग 2-3 घंटे तक होता है। कुछ बसें ऐसी भी होती हैं जो रात्रि के दौरान यहाँ पर खड़ी हो जाती हैं और यहीं पर ही बसों की धुलाई भी होती है जिससे कि दुकानों के पास पानी भरा रहता है। स्थानीय दुकानदारों का कहना है कि बसों का जितना समय है उतनी देर तक ये बसें खड़ी होनी चाहिए जिससे कि यातायात भी बाधित नहीं होगा और साथ में यहाँ पर अव्यवस्थाएं भी बस स्टैंड पर नहीं होगी। बस स्टैंड में काफ़ी अव्यवस्था है, बारिश होती है, रुकने की मुसाफिरों को सही स्थायी जगह नहीं है। गाय वगैरह आती हैं, बैल वगैरह आते हैं, यात्रियों को मार देते हैं। बसें काफ़ी अव्यवस्थित रहती हैं, जिसे जिसकी जो इच्छा होती है वहां खड़ी कर देता है। नमस्कार, खबर दिनभर में आपका स्वागत है। मैं हूं सुबोध त्रिपाठी। चलिए इस बुलेटिन की खबर पर नजर डालते हैं। हनुमान टोरिया पर हरमाय में 26 तारीख को सतगुरु नेत्र चिकित्सालय द्वारा यह शिविर लगाया जाता है। यहां पर आसपास शहर के और तमाम गांव के लोग यहां पर आकर अपनी आंखें दिखाते हैं। सतगुरु नेत्र चिकित्सालय द्वारा लगातार कई वर्षों से यहाँ पर शिविर लगाया जा रहा है और जो मरीज हैं उनका पूर्णतः इलाज किया जा रहा है। हम आपको बता दें कि 26 जुलाई को अखिलेश असाटी के चिरंजीव सार्थक असाटी के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में उनके दादा शिवचरण असाटी और सुनील असाटी के सहयोग से यह शिविर लगाया गया है जहां पर 100 से अधिक मरीजों को देखा गया। 50 लोग चिन्हित किए गए हैं और जिनको सतगुरु ने चिकित्सालय आंखों के ऑपरेशन के लिए भेजा गया है। हम आपको बता दें कि हर वर्ष हर माह की 26 तारीख को यह शिविर लगाया जाता है जिससे मोतियाबिंद जैसे तमाम रोगों से लोगों को छुटकारा मिले। पिछले दिनों सतगुरु ने चिकित्सालय के MD द्वारा भी यह कहा गया था कि छतरपुर में लगातार देखा गया है कि आंखों के पेशेंट ज़्यादा हैं जिसको दृष्टि देखते हुए छतरपुर में इसकी एक यूनिट डाली जाएगी जहां पर लोगों को सुविधा मिल पाएगी। ये आज हनुमान टोरिया मंदिर परिसर पर इस वर्ष का ये 7वां शिविर है और यह शिविर अखिलेश असाटी के पुत्र सार्थक असाटी के जन्म दिवस पर उनकी दादाजी शिवचरण असाटी और ताऊ सुनील असाटी जी के सहयोग से ये शिविर लगाया गया है और इस शिविर में अभी तक 250 लोगों के पंजीयन हो चुके हैं और 35 मरीज यहाँ से चित्रकूट जाने के लिए अभी चिन्हित हो चुके हैं और कुछ समय और बचा है और भी लोग बढ़ सकते हैं। हम आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहते हैं कि जो मरीज बारिश के कारण या किसी भी कारण यहाँ दिखा नहीं पाए तो अगली 26 को फिर से ये शिविर लगेगा। नमस्कार, खबर दिनभर में आपका स्वागत है। मैं हूं सुबोध त्रिपाठी। चलिए इस बुलेटिन की खबर पर नजर डालते हैं। छतरपुर के मेला ग्राउंड स्थित सभी कर्मचारी हड़ताल पर बैठे हुए हैं। मध्य प्रदेश लिपिक वर्ग कर्मचारी संघ के बैनर तले ये छतरपुर के करीब 52 विभाग के 400 कर्मचारी इन दिनों हड़ताल पर हैं। हमने जब इनसे बात की है तो उनका साफ तौर पर ये कहना है कि वेतन विसंगति की मांग को लेकर ये हड़ताल पर बैठे हुए हैं और लगातार अनिश्चितकालीन इनकी हड़ताल जारी रहेगी। संघ के प्रादेशिक अधिकारियों के निर्देश पर ये सभी कर्मचारी हड़ताल पर बैठ गए थे और 23 तारीख से पंडाल लगाकर यहाँ पर पंडाल के नीचे डटे हुए हैं सभी कर्मचारी और विभागों में लोगों का काम भी नहीं हो रहा है।
कर्मचारियों का कहना है कि हमारी मांग पूरी की जाए। पिछले दिनों शिवराज सिंह चौहान द्वारा जो बातें की गई थी कि उनके जो वेतन विसंगति है उसको लेकर पूरा किया जाएगा, लेकिन अभी तक अमल नहीं हो सका है। एक बार फिर कर्मचारियों ने यह मांग उठाई है क्योंकि विधानसभा चुनाव नज़दीक है, ऐसे में उनकी मांग पूरी हो सकती है। हमारी क्या है मुख्य मांग है वेतन विसंगति। लिपिक भर कर्मचारी संघ की जो वेतन विसंगति है 1481 से चली आ रही है, उस वेतन विसंगति के संबंध में माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा हाई पावर कमेटी का गठन माननीय श्री रमेश चंद शर्मा जी की अध्यक्षता में किया गया था। माननीय श्री शर्मा जी ने हमारी वेतन विसंगति को लेकर 23 अनुशंसाएँ की हैं। उन अनुशंसाओं को पूरा करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा आश्वासन दिए गए, आदेश नहीं। उसी परिप्रेक्ष्य में प्रांतीय आवाहन पर दिनांक 23 जुलाई से ये अनिश्चितकालीन हड़ताल है और ये तब तक रहेगी जब तक आदेश जारी नहीं हुए। नमस्कार, खबर दिनभर में आपका स्वागत है, मैं हूं शिवेंद्र शुक्ला। शिवराज सिंह चौहान जन आशीर्वाद यात्रा लेकर पन्ना के बाद छतरपुर जिले की सीमा में जैसे ही पहुंचे, यहां पर भाजपाइयों द्वारा जोर शोर से उनका स्वागत किया गया। स्वागत केन नदी से ही प्रारंभ हो गया था और उसके बाद चंद्रनगर और फिर बमीठा में उन्होंने रथ सभा की। इस मौके पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि अब की बार 200 पार इस तरह का नारा देकर लोगों के बीच में उत्साह का संचार भी किया। बरसते पानी में बड़ी संख्या में लोग यहां पर शिवराज सिंह चौहान के लिए और उनका रथ देखने के लिए एकत्रित हुए थे। अपने भाषण में बोलते हुए उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश में कोई भी व्यक्ति बिना जमीन के टुकड़े के नहीं रहेगा, यानी कि हर व्यक्ति को घर उपलब्ध कराया जाएगा। तो इस तरह की तमाम बातें उन्होंने अपनी इस जन आशीर्वाद यात्रा के माध्यम। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं पेप्टेक टाइम न्यूज और मैं हूं आपके साथ शुभम सोनी। खबर दिन भर के इस पहले बुलेटिन में आपका स्वागत है और चलिए आपको दिखाते हैं इस बुलेटिन में एक बड़ी और अच्छी खबर। यहां पर छतरपुर के डिस्ट्रिक्ट होम कमांडर करण सिंह द्वारा वातावरण को शुद्ध करने के लिए और पर्यावरण को शुद्ध रखने के लिए 200 पेड़ों का पौधा रोपित करने का एक कार्यक्रम किया गया। यह कार्यक्रम छतरपुर शहर के सटई रोड स्थित होमगार्ड कार्यालय में किया गया, जहां पर उनके अधिकारियों के साथ में तमाम वर्ग के कर्मचारी मुख्य रूप से मौजूद रहे, जिन्होंने उत्साह के साथ में पेड़ों को रोपित कर उनकी एक परिभाषा को भी बताया। पेड़ लगाने का उनका मुख्यतः से उद्देश्य है कि जीवन को सफल बनाने के लिए और स्वस्थपूर्ण सेहतमंद अपनी जिंदगी बिताने के लिए हमें पर्यावरण के संरक्षण में रहना अनिवार्य है और पर्यावरण अनिवार्य करने के लिए हमें पौधे को रोपित करना ही होगा, जिस पर एक संकल्प लेते हुए डिस्ट्रिक्ट कमांडर के द्वारा 200 पेड़ पौधों को लगाने की बात कही गई। वहीं इन पौधों के बीच में छायादार और फलदार वृक्षों को भी रोपित किया गया। वन विभाग के सौजन्य से 200 पौधे प्राप्त किए गए थे जो हमारे होमगार्ड कार्यालय सटई रोड में आज रोपे गए हैं। इसमें सभी प्रकार के फलदार पौधे भी हैं और दूसरे पौधे भी हैं लगाए। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं पेप्टिक टाइम न्यूज और मैं हूं आपके साथ हाजिर शुभम सोनी। खबर दिनभर के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है और चलिए इस बुलेटिन में आपको दिखाते हैं खबर ईशानगर क्षेत्र की, जहां पर अब हालात की अगर बात की जाए तो अब स्वास्थ्य केंद्रों की हालातों में भी गड़बड़ियां सामने आने लगी हैं। आए दिन की दुर्घटनाओं में अनेकानेक परिस्थितियां होती हैं, जिनमें कुछ कार्यवाही के हक पर अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं डॉक्टरों की लापरवाही सामने आती है। एक ऐसा ही नजारा आज हमारे सामने आया, जहां पर 12 वर्षीय एक बच्चा अपने इलाज के लिए परिजनों के साथ में उप स्वास्थ्य केंद्र पहुंचा, लेकिन वहां उसे सही तरीके से इलाज न मिलने के कारण उसकी मौत हो गई। आइए आपको दिखाते हैं तस्वीरों के माध्यम से क्या कुछ पूरा कारण रहा इस मौत का। जानकारी के मुताबिक आपको बता दें, छतरपुर शहर के हिम्मतपुरा निवासी 12 वर्षीय जो कि दिनेश रैकवार अपने इलाज के लिए नाना नानी के साथ पिछले 3 वर्षों से रह रहा है और अचानक से उसकी तबीयत बिगड़ने के कारण वह उप स्वास्थ्य केंद्र के लिए ईशानगर पहुंचा, जहां पर उसे डॉक्टर जी के साहू ने बच्चे को देखते हुए एक इंजेक्शन लगाया और कुछ दवा भी देते हुए उसे स्वस्थ होना बताया, जिसके बाद परिजनों ने यह बात सुनकर उसे अपने घर ले आए। वहीं तकरीबन शाम करीब 4 बजे बच्चे की हालत दोबारा से बिगड़ गई और बच्चे की हालत बिगड़ी तो परिजन उसे लेकर उप स्वास्थ्य केंद्र पहुंचे, लेकिन जब स्वास्थ्य केंद्र पर पहुंचे तो वहां पर एक भी डॉक्टर या नर्स वहां मौजूद नहीं मिले, जिस कारण से बच्चे को समय पर इलाज ना मिल पाया और बच्चे की मौत हो गई। इस पर ईशानगर और उनके परिजनों के लोगों ने अस्पताल में ही पहुंचकर तोड़फोड़ कर अपना आक्रोश जताया। मैंने भी बातचीत की है, ड्यूटी डॉक्टर से बात की है, उनका ये कहना था कि मैं 5 से 6 बजे ओपीडी का टाइम था, मैं प्रतीक्षण में था,
तो इनका कहना है कि किसी ने मुझे सूचित नहीं किया है, तो इस संबंध में जो भी दोषी है सबकी जांच कराएगी। नायब तहसीलदार गुप्ता जी को निर्देश किया कल सुबह आगे पूरा रिकॉर्ड जब्त करके जिसकी ड्यूटी थी, जो प्रथम दृष्टया लापरवाही इसने की, इसके कारण बच्चे की मौत हुई है और परिवार को काफ़ी दुख सहना पड़ा, इस पर हम कठोर कार्रवाई करेंगे। कलेक्टर महोदय को प्रतिवेदन भेजेंगे। दिनेश रेगवार नाम का लड़का है जिसका आज दिन में बुखार आ गया था जी। तो उसके परिजन शासकीय चिकित्सालय ईसा नगर में इलाज के लिए लाए थे जी। इलाज कराने के बाद वो वापस घर ले गए। शाम को उसकी फिर से तबीयत खराब हुई, फिर उसको फिर से वो शासकीय अस्पताल ईसा नगर लेके आए जहाँ उसकी मौत हो गई। तो परिजनों का ये कहना है कि यहाँ पर उनको डॉक्टर उपस्थित नहीं मिले हैं जिससे उसका समय पर इलाज नहीं हो पाया है। इस संबंध में डॉक्टर लोगों को, CMO साहब को और जिला चिकित्सालय छतरपुर को सूचना दे दी गई है। जैसे ही डॉक्टर साहब लोग आते हैं उस संबंध में कार्रवाई की जाएगी। नमस्कार दर्शकों, खबर दिनभर में आपका स्वागत है। मैं हूं गुरुदत्त मिश्रा। नजर आ लेते हैं आज की इस खास खबर पर। जिला अस्पताल को एक और जहां पर सुंदर बनाया जा रहा है और जिला अस्पताल में सारी व्यवस्थाएं सुचारू रूप से करने को लेकर यहां पर बिल्डिंग भी तैयार कर दी गई है, लेकिन आप कुछ तस्वीरें ऐसी देख सकते हैं जहां पर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यहां पर कितनी गंदगी होती होगी। यहां पर पोस्टमार्टम का ये रूम है और इस रूम के बाहर से लोगों को भी निकलना पड़ता है और इसी रास्ता से डॉक्टर भी पोस्टमार्टम रूम में पोस्टमार्टम करने के लिए जाते हैं। लेकिन आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कचड़ों के कारण किस तरह से गंदगी मची हुई है और साथ में गंदगी का अंबार भी लगा हुआ है। कई बार इस खबर को भी प्रकाशित किया गया है कि इस गंदगी के कारण यहाँ के रुकने वाले जो लोग हैं आसपास, जो मकान बने हुए हैं, उन लोगों को भी काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। यहाँ पर काफ़ी गंदगी बनी रहती है, लेकिन इस ओर अस्पताल प्रशासन बिल्कुल PM हाउस के बाहर बिल्कुल बहुत ज़्यादा गंदगी है सिविल अस्पताल में। उल्टी आई हम लोग और हम लोग निकल रहे हैं तो इतने तक उसमें गिलारी में गप जाते हैं। ये बहुत गंदगी है यहाँ पर और कोई भी निकलना बहुत मुश्किल है। वहाँ पर गंद तो इतनी बुरी आ रही है कि कोई वहाँ पर निकल ही नहीं सकता। भारी नुकसान इनके लिए एक अभिशाप साबित होगा और तुला धनु मकर कुंभ राशियों के लिए सबसे ही खतरनाक चंद्र ग्रहण का प्रभाव रहेगा। इसलिए ये लोग चंद्र ग्रहण में बाहर ना निकले और इसके प्रभाव से बचें और विशेष करके गर्भवती महिलाओं के लिए ये चंद्र ग्रहण सबसे ज़्यादा खतरनाक है। इस ग्रहण काल में गर्भवती महिलाएं अपने पेट में चंदन का लेप करें अथवा तुलसी और नीम की पत्ती बांधें जिससे गर्भस्थ शिशु को कोई हानि ना पहुंचे। इस बुलेटिन में इतना ही, फिर हाजिर होते हैं अगली खबर के साथ। नमस्कार। नमस्कार, खबर दिन भर में आपका स्वागत है। आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान छतरपुर जिले के दौरे पर है। मुख्यमंत्री जन आशीर्वाद यात्रा के माध्यम से छतरपुर जिले की जनता से एक बार फिर आशीर्वाद लेने आए हैं। 15 साल लगभग मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार को हो चुके हैं और मध्य प्रदेश को बीमारू राज्य से विकसित राज्य की ओर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान बढ़ा रहे हैं, ऐसा कहते हुए उन्होंने जनता से आशीर्वाद मांगा। मुख्यमंत्री की जन आशीर्वाद यात्रा छतरपुर जिले में चंद्रनगर होते हुए बमीठा से राजनगर और खजुराहो पहुंची। इसके बाद उन्होंने चंदला और महाराजपुर विधानसभाओं में भी कई सभाएं की। राजनगर में आयोजित सभा के दौरान भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष पुष्पेंद्र प्रताप सिंह, महामंत्री अरविंद पटेरिया और मलखान सिंह सहित सैकड़ों लोगों ने उनका गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। इसके साथ साथ कई बड़ी संख्या में लोगों ने सड़कों पर उतरकर भी मुख्यमंत्री का स्वागत किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने एक बार फिर अपने भाषण से जनता को प्रदेश में चलाई जा रही योजनाओं की जानकारी। तो ये था कंप्लीट बुलेटिन, फिर हाजिर होंगे लगातार पेप्टिक टाइम पर। हर घंटे खबरों का सिलसिला जारी है। नमस्कार।